हरावाई जोगिंदर कंट्रोवर्सी क्यों करते हैं, आपको पता होगा उनका बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ कंट्रोवर्सी होता रहता है, इसी के बारे में वो अपने रिसेंट ब्लॉग में बात की है, वो क्या कहे आप देखिए। बहुत से लोग ये बोलेंगे कि जोगिंदर भाई तूने कंट्रोवर्सी की थी इसलिए तूने ये वाले अवार्ड सब्सक्राइबर गेन करके ले लिए। गलत। मैंने कंट्रोवर्सी क्यों की मैं आज आप लोगों को बता देना चाहता हूं। कोरोना से पहले हमारे घर की जो इनकम थी वो कितनी हुआ करती थी मम्मी? कितनी थी भाई, गाय का दूध तो 5-6 लगा ले। 5-6 हजार। क्या क्या काम करती थी आप, सच बताना? फिर सिलाई लाई वगैरह भी कर लेती थी। मेरी मम्मी सिलाई करती थी, हमारा पेट पालती थी, मेरी एक बहन भी है पीछे आप देख रहे हो, और दूध बेका करती थी गाय का। अब मैं आपको दिखाऊं हमारा घर कौन सा था, देखना ये वाली, देखो ये सामने दिख रहा है आप लोगों को, ये सामने ये घर है। अब आप देखो कितनी गंदी हालत है, और ये वो गाय है जो मम्मी इसका दूध बेच के हमें पालती। अक्षय कुमार ने एक रिकॉर्ड बना दिया, उन्होंने 3 मिनट के अंदर 184 सेल्फी ली अपने फैंस के साथ। बेसिकली अक्षय कुमार की एक न्यू मूवी आ रही है जिसका नाम है सेल्फी, उसी का प्रमोशन था और वहीं पर उन्होंने 3 मिनट के अंदर 184 सेल्फी। आदिपुरुष मूवी का जब ट्रेलर आया था तो बहुत सारे लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे उसके VFX को लेकर, जिसके बाद उसकी रिलीज डेट को पोस्टपोन किया गया था, जिसके बाद बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि आदिपुरुष में कुछ चेंजेस किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आदिपुरुष के एडिटर ने खुद कहा कि उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, ऐसा स्टार्ट किया था वैसा ही हम कर रहे हैं क्योंकि हमने कोई मिस्टेक नहीं किया है। विशाल जो कि एक तमिल एक्टर एंड प्रोड्यूसर है, जो अपनी फिल्म के शूट के दौरान मरते मरते बचे, उन्होंने खुद उसका वीडियो शेयर किया है, आप देखिए। ट्रिगर इंसान ने कुछ ब्लॉगर्स को ट्रोल किया। ट्रिगर इंसान ने अपने मॉम के चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया, उस वीडियो में उन्होंने ब्लॉगर्स को ट्रोल किया, उसी के ऊपर कुछ लोग बोल रहे थे कि तुमने इस ब्लॉगर को ट्रोल किया, उसे ट्रोल किया, जिसके बाद ट्रिगर इंसान क्या बोले आप देखिए। यूट्यूब न्यूज चैनल्स बी लाइक लाइव इंसान पोक्ड। भाई साहब मैं पहले बता दूं, वो व्लॉग किसी एक पर्टिकुलर व्लॉगर के को टारगेट करने के लिए नहीं था। मैंने जितने भी व्लॉग्स देखे हैं मुझे लगता है कि सारे ऐसे ही बात करते हैं, तो मैं मम्मी को बता रहा था कि मेरी मम्मी गाइस गाइस करके बात करती हैं, तो मैं मम्मी का मजाक उड़ा। क्या एमसी स्टैन डिजर्व नहीं थे बिग बॉस जीतने के लिए? एमसी स्टैन का राज सम्मान के चैनल पर एक पॉडकास्ट आउट हुआ है, वहीं पर वो बात ये कि जो लोग बोलते हैं वो बिग बॉस जीतने के लिए डिजर्व नहीं थे, इसके बारे में वो क्या कहे आप देखिए। भाई की बात करें तो बिग बॉस की बात करते हैं, एक हर कोई ये बोल रहा है कि डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है एमसी स्टैन, बीच में से आ गया भाई, कहाँ से आया, कैसे जीत गया एकदम से, क्या है इस पे एक ही बात बोलना चाहता भाई, बहुत दिन से कंटा रहा है मेरे को, नहीं क्या डिजर्विंग बोले नहीं है डिजर्विंग ये वो, अरे सुन नहीं क्या मां, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, लाइक डिजर्विंग नहीं क्या, पब्लिक जो भी डिजर्व करता ना वो पब्लिक के हाथ में था, वो पब्लिक ने देखे जिसमें देखे उनको कौन लगा भाई, उन लोग ने करे, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक है भाई, ऐसा नहीं कि मेरी पब्लिक सिर्फ, तो उनको मैं लगा उनके हाथ में था, दैट्स इट भाई, खत्म हो गया, डिजर्व नहीं करता ये नहीं करता, हो गया भाई वो शो क्या बोलूं, मेरे को हंसने को आता भाई पब्लिक पे। तो इस पे कोई ओपिनियन नहीं है, कहते हैं कि लोग ही डिसाइड करते हैं, लोगों ने डिसाइड किया तो मैं जीत गया, जनता के ऊपर था वो पूरा गेम ही, जनता के ऊपर है भाई, तो मैं मतलब ये लोग कौन डिसाइड, मतलब कंटेस्टेंट बोल रहे यार ये डिजर्व नहीं था, वो डिजर्व नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, मतलब तुम लोग कैसा बोल सकते, मतलब जनता के ऊपर था, उन लोग ने मेरे को प्यार करते यार मेरे को, मतलब तुम लोग रोक नहीं सकते ना भाई पब्लिक को प्यार करने से, तुम लोग ऐसा हो रहा कि नहीं नहीं तुम लोग क्यों प्यार कर रहे हो उसको, अरे क्या भाई मेरे को प्यार करती पब्लिक माम, इसलिए क्या अभी मत। एल्विस यादव की न्यू कार वरना का किसी ने शीशा तोड़ दिया, ऑब्वियसली ये किसी हेटर ने किया होगा, मैं उसका क्लिप दिखा देता हूँ आप देखिए। बोलता था कि भाई हमारी गाड़ी पे कोई ये मार गया, कोई वो मार गया, कोई स्क्रैच मार गया, आज देखो क्या मार गया, अभी तक तो स्क्रैच चल रहे थे, आज शीशा ही तोड़ गया भाई कोई, और वरना का तोड़ दिया जो मैंने बेच दी, नहीं अरे मतलब निशानी टॉप किया ना बस, स्टिल मेरे प्लाट में खड़ी थी भाई, और उस टाइम लेजेंडर नहीं मिली तो वरना सही, कोई नहीं टूट गई, अब भाई जितने का भी ठीक होता हमारा तो देखो फर्क पड़ता नहीं इस चीज़ पे, कितने का भी ठीक होता हो इतने ठीक करवाएंगे, और कई हमारे भाई तो इतने बढ़िया को कोलैबोरेशन में ठीक कर देंगे, वो हमने उसकी भी जरूरत ना है, और तोड़ लो भाई तोड़ लो, ये देखो बहुत अच्छा काम करा तुमने है ना, जिसने भी करा है, मैं बोलना चाहूँगा कि मेहनत करो यार तुम भी।